Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition, and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. मोदी सरकार अम दुश्मनों की यार, भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में 66, हिंदुस्तान में 21 तरबियती मराकज मौजूद। इंडिया की जानिब से ट्रेनिंग के साथ असलहे की भी फराहमी। अजली दुश्मन ने दाइश के 3 दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया। सरहद के साथ भारतीय काउंसिल खाने साजिशों का गढ़। कर्नल राजेश अफगानिस्तान से पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। भारत ने CPEC मंसूबों को निशाना बनाने के लिए खुसूसी मलेशिया बनाई। मुत्तहिदा के बानी को रॉ की फंडिंग के शवाहिद भी मौजूद। अजमल पहाड़ी ने हिंदुस्तान की जानिब से 4 कैंप कायम करने का एतराफ़ किया। दहशतगर्द नेटवर्क को इंडियन कॉन्सलेट के जरिए अहदाफ मिले। अमायदीन और उलमाए किराम भी इनका टारगेट हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है और उसकी ताज़ा मिसाल वो हालिया अटैक्स हैं जो पेशावर में हुए, क्वेटा में हुए। रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पुश पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। मिसाल के तौर पर TTP, मिसाल के तौर पर BLA, मिसाल के तौर पर JUA जमातुल अहरार। वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एक कंसोर्शियम इस्टेब्लिश किया जाए बिटवीन TTP, BLA, BLF एंड BRA। मैं आज वाज़े तौर पर खुल के कह रहा हूँ, उनका एक वाज़े प्लान है CPEC को सैबोटाज करना। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे वज़ीर ख़ारजा ने मंसूबे के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। पेशावर और क्वेटा में दहशतगर्दी, इंडियन मनसूबाबंदी की अक्कास। हिंदुस्तानी एजेंसीज TTP और BLA समेत बलोच कलदम तंजीमों में 22 अरब रुपए तकसीम कर चुकी। CPEC को हदफ बनाने के लिए रॉह में खुसूसी सेल कायम। तकरीबकारी के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। दुश्मन जान ले अहम प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस किस्म का एविडेंस आज पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा है, ये ना तो पहले कभी हुआ है इस अंदाज़ में, ना दुनिया का किसी और मुल्क ने, कम से कम मुझे तो नहीं मालूम कि इस तरह पब्लिकली आके कोई चीज़ सामने रखी हो एक हमसाए मुल्क के बारे में कि वो क्या क्या कर रहा है एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, एज ए रोग स्टेट। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़। मोदी सरकार इल्जाम लगाती है मगर शवाहिद नहीं देती। हम सबूतों पर बात कर रहे हैं, दुश्मन को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान, 23 हलकों में कल पोलिंग, तैयारियां मुकम्मल, सामान पहुंच गया, अमला भी अलर्ट। तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7,45,361 वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 9 मखसूस नशस्तों पर भी इंतखाब, खवातीन के लिए 6 और टेक्नोक्रेट्स के लिए 3 सीटें मुख्तस। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 14,000 से जायद एहलकार तैनात, सिंध पुलिस के जवान और अफसर भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, स्कर्दू का हल्का नंबर 9 तवज्जो का मरकज। स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद की तहरीके इंसाफ के टिकट पर किस्मत आजमाई। पीपल्स पार्टी के वजीर वक़ार और आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम भी टफ टाइम देने को तैयार। धांधली का शोर तो एक हफ्ते से ही करने लगे अपोजिशन वाले, तो हम तो यही समझते हैं ना कि जो कॉन्फिडेंट होता है वो तो इस तरह की बातें नहीं करता। जो तजादात, जो कन्फ्यूजन इनके बयानात में नजर आती है, तो आप इनको सीरियसली लेते हैं? ये तो अपने आप को रेलेवेंट कराने के लिए हर किस्म का झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं, वो मुनाफिक लोग हैं जिनका के नजरिया इक्तदार है, चाहे वो जिस तरीके से भी आए। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आजादाना इंतखाबात तरजीह। ऑपोजिशन की तकरीरों से लगता है ये धांधली का शोर मचाएंगे। जमहूरी हुकूमत को घर भेजने के लिए गैर जमहूरी तरीका कैसे अपनाया जा सकता है? शिबली फराज की तनकीद, पेट्रोल की कीमत कम होने की नवीद भी सुनाती। नवाज ने जो कुछ कहा है वो अपने वालिद की सियासत की नफी की है। ये एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं। शहबाज शरीफ को इन्होंने मफलूज कर दिया। पीडीएम में सारे लोग इस बयानिया के साथ नहीं है। जो आइनी और कानूनी तरीके हमें ख़त्म करने के हैं, उनकी सकत और ताकत पीडीएम में नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी दूसरे और नून लीग चौथे नंबर पर होगी। शेख रशीद की पेशगोई, मरियम नवाज ने वालिद की सियासत की नफी कर दी। दिसंबर से फरवरी तक पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठेंगी। पीडीएम हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखती, वजीर रेलवे का दावा। मरियम बीबी आयन और कानून से मावरा, इकतदार के संगासन के झूले लेना चाहती हैं। ये संगासन जो है चोर दरवाजे, ब्लैक मेलिंग और एड़ियाँ रगड़ने से नहीं मिलेगा। आप घुटने टेक चुके हैं, अब आपकी एड़ियाँ रगड़ने के दिन आने वाले हैं। 73 बरस का गन 2 साल में साफ नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान से मुस्तरद टोला चोर दरवाजा ढूंढ रहा है। ये अवामी इज्तमात में गिरेबान पकड़ते हैं, बंद कमरों में पाँव पड़ जाते हैं। फिर दौसा शिकावान की तनकीद, कल तहरीक इंसाफ की यकीनी फतह का दावा। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक होने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अमवात, 2,165 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,54,461 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 24,938 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर कोरोना का शिकार, अहलिया और बेटे का टेस्ट भी पॉजिटिव। महमूद जान ने करंटीना कर लिया, आवाम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कोरोना के वार बरकरार, तलबा और असातिज़ा के टेस्ट पॉजिटिव आने पर रावलपिंडी के 5 स्कूल और 1 विमेंस कॉलेज 21 नवंबर तक बंद। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहलिक वायरस के बाद रोजाना अमवात का सिलसिला भी बरकरार, शहरी फिर भी लापरवाह। SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल ना ही समाजी फासलों का ख्याल। बाजारों और मार्केटों में रश, मुसलसल बेख्तियारी से सूरत हाल बिगड़ने का संगीन खदशा। पेशावर के लंडा बाजार कोरोना को दावत देने लगे। बैरून मुल्क से आने वाले सामान पर जरासीम कुश स्प्रे का अमल नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानियां, गाहक भी मास्क का इस्तेमाल भूल गए। पंजाब में एक ही रोज 487 नए मरीज। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए एहतियात जरूरी, SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, आवाम के ताउन से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, अब तक 13,09,000 से जायद अमवात। अमरीका में मजीद 1395 जानें चली गईं। भारत में 539 और फ्रांस में 962 अमवात, मैक्सिको में 568 और बरतानिया में 376 अफराद जिंदगी हार गए। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की मंगनी यूनुस चौधरी के साहबजादे महमूद चौधरी से तय। तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी, कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल। हुकूमती दावे बेसूर, शुगर माफिया बदस्तूर बेकाबू। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 115 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोटा में 111, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 110 रुपए में फरोख्त। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी कागान, नारान, बाबूसर टॉप में बर्फबारी, नारान से गिलगित जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल बंद, विजर के बालाई इलाकों में भी सफेद गालों की बरसात, वोटर और उम्मीदवार परेशान। लाहौर में फिर स्मॉग के डेरे, धुएं के बादलों ने सूरत को छुपा लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 522 तक पहुंच गया। कल और पीर के रोज शहर में बूंदाबांदी का इम्कान, सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्के। धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों और भट्टों की बंदिश पर अमल ना हो सका। फैसलाबाद में भी स्मॉग बेकाबू, शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अमली इकदाम करने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़याबीतस से बचाव के लिए आगाही का दिन। पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत खामोश कातिल से लाइल्म, गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बायस मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुहलिक मरज में मुब्तला। ट्रंप को बड़ा धचका, जो बाइडन रियासत जॉर्जिया से भी कामयाब, इलेक्टोरल वोटों की तादाद 306 हो गई। 9 मुंतखब अमरीकी सदर 1992 के बाद जॉर्जिया से फतह समेटने वाले पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.